सांगली, सातारा और कोल्हापुर के बाढ़ पीड़ितों को शेकापक्ष पनवेल द्वारा सहायता करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए शेकापक्ष के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को पनवेल एपीएमसी कार्यालय में आयोजित की गई थी। इस बैठक के लिए उपस्थित विधायक बालाराम पाटिल और पूर्व नगराध्यक्ष जेएम म्हात्रे आदि गणमान्यों ने कार्यकर्ताओं को मदद का आह्वान किया। महाराष्ट्र के सांगली, सातारा और कोल्हापुर जिलों में जो प्राकृतिक त्रासदी हुई है, उससे इन तीनों जिलों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, तो हजारों लोग अभी भी बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जिन्हें न खाने के लिए अन्न मिल रहा है और न ही पीने का पानी नसीब हो रहा है। हालांकि शासन स्तर पर जो सहायता बाढ़ पीड़ितों को मिलनी चाहिए थी, वो सहायता न मिलने की वजह से यहाँ के लोगों पर भूखमरी का संकट आन पड़ा है। ऐसे में इंसानियत के नाते हम सभी का फर्ज बनता है कि हमें इन बाढ़ पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए, ऐसा आह्वान शेकापक्ष के विधायक बालाराम पाटिल ने शुक्रवार को अपने कार्यकर्ताओं को किया। वे पनवेल एपीएमसी सभागृह में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। बालाराम पाटिल ने कहा कि हमारे देशवासियों पर जब भी कोई संकट आया है, हर बार शेकापक्ष ने सहायता का हाथ बढ़ाया है। इस बार भी हमें बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए आगे आने की जरूरत है और उसके लिए आर्थिक और जीवनावश्यक वस्तुओं के रूप में सहायता करने का आह्वान विधायक बालाराम पाटिल द्वारा उपस्थित कार्यकर्ताओं को किया गया। आज उभा महाराष्ट्र पावसाच्या भडीमारानं ग्रस्त झालेला आहे। सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे यासारख्या जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी होते। कोकणच्या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, ठाणे या जिल्ह्यामध्ये पावसानं धुमाशान घातलेला आहे। नाशिकच्या पट्ट्यामध्ये धुमशान घातलेला आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये आज महाराष्ट्रातल्या अनेक विभागामध्ये जनता पुरानं त्रस्त झालेली आहे। पुरानं जनता त्रस्त झालेली असताना प्रशासनाकडून, राज्यकर्त्यांकडून म्हणावा तसा जनतेला या ठिकाणी सहकार्याचा हात मिळत नाही आहे आणि म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी या पूरग्रस्तांना मदत संकलित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। कोल्हापूर असेल, सांगली असेल, या ठिकाणचा पूरग्रस्त असेल, रायगड जिल्ह्यातल्या महाड, नागोटणे, पेण, रोहा या ठिकाणचा पूरग्रस्त असेल, या मंडळींना आपल्या कुवतीप्रमाणे, आपल्या मतीप्रमाणे या ठिकाणी मदत करावी, या उद्देशानं आजच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि शेतकरी कामगार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःपासून सुरुवात करून या मोहिमेचा या ठिकाणी शुभारंभ केलेला आहे। साधारणतः 13-14 तारखेपर्यंत वस्तुरूपानं मदत या ठिकाणी एकत्र करून ती 15 ऑगस्टच्या मुहूर्तावर आणि तदनंतर 1-2 दिवसामध्ये प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन वाटप करण्याचा आमचा संकल्प आहे। या मदतीमध्ये गहू असेल, तांदूळ असेल, कडधान्य, डाळ वगैरे असतील, तेल असेल, हे संसार उपयोगी साहित्य, पिण्याच्या पाण्याचं दुर्भिक्ष आज या भागामध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणावर आहे। पुरानं सारा परिसर समुद्रासारखा झाल्यामुळे शुद्ध पाण्याचा टिपूस त्या ठिकाणी नाही। पाण्याच्या बाटल्या, बिस्किटं, तेल, कपडे अशा पद्धतीनं ही मदत सामुग्री एकत्रित करून आपल्या या पूरग्रस्त बांधवांना छोटा का होईना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आम्ही मंडळी करायला मागतोय। माझी शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना, या पनवेल परिसरातील जनतेला विनंती आहे की ज्या पद्धतीनं आपण केरळच्या पूरग्रस्तांसाठी मदत या ठिकाणी संकलित केली आणि सुमारे 2 कंटेनर भरून संसारोपयोगी साहित्य, कपडे, शाल्स त्या ठिकाणी पाठवल्या, त्याच धर्तीवर आपल्या या सांगली, कोल्हापूर, रायगडातील पूरग्रस्त बांधवांना, भगिनींना मदत देण्याच्या दृष्टीनं आपण जनतेला या ठिकाणी सहकार्य करण्यासाठी विनंती करूया। जनतेला या ठिकाणी माझी हात जोडून विनंती आहे की आपण ही आपल्या शेजारच्या बांधवांच्या एकंदर परिस्थितीची जाण ठेवत त्यांना या कठीण प्रसंगामध्ये दिलासा देण्यासाठी, त्यांना सहकार्य करण्यासाठी उत्स्फूर्तपणानं पुढे या आणि या मोहिमेला सहकार्य करा। बालाराम पाटील द्वारा किए गए आह्वान के अनुसार शेकापक्ष के नेताओं एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा तुरंत आर्थिक मदद का ऐलान किया गया।
इस बैठक के लिए पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जे एम म्हात्रे, शेकापक्ष के पूर्व तालुका सचिव नारायण शेटगरत, तालुका सचिव राजेश केणी, महानगर जिला सचिव गणेश कड़ू, प्रवक्ता मल्लिनाथ गायकवाड़, आरडी घरत, सह सचिव शंकर म्हात्रे, झेडपी सदस्य विलास फड़के आदि सहित नगर सेवक तथा शेकापक्ष के प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर पनवेल तालुका शेकापक्ष के सचिव पद पर नियुक्त किए जाने पर राजेश केणी का विधायक बालाराम पाटिल एवं पूर्व सचिव नारायण शेठ घरत के हाथों सम्मान किया गया। शेकापक्ष के युवा नेता अमोल शीतोले को भी उपस्थित गणमान्य द्वारा जन्मदिन की बधाइयां दी गई।